आज हम बात करने वाले हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिससे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स परेशान हैं अलग अलग रीजन की वजह से, और वो है दोस्तों फुट ड्रॉप। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर डीपी शर्मा है और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिससे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स परेशान हैं अलग अलग रीजन की वजह से, और वो है दोस्तों फुट ड्रॉप। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, फुट ड्रॉप क्या होता है दोस्तों? फुट ड्रॉप होता है जो आपका पैर है वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है एंकल से और आपका पैर नीचे ही रह गया, फुट ड्रॉप हो गया। दोस्तों ये किस वजह से होता है? ये होता है दोस्तों आपकी कोई नर्व डैमेज हो जाए, जैसे कॉमन पेरोनियल नर्व है, या फिर आपकी शियाटिक नर्व डैमेज हो जाए। ये किन किन चीज़ों में हो सकता है? आपकी चोट लगने पे हो सकता है, हिप के फ्रैक्चर डिसलोकेशन आपको हुआ हो उसमें हो सकता है जब नर्व दब जाए, आपकी किसी सर्जरी के बाद कभी कभी ये हो सकता है, जैसे हिप रिप्लेसमेंट किया, आपकी जो नर्व है वो डैमेज हो गई या ज़्यादा खिंच गई बहुत ज़्यादा लंबी हाइट बढ़ाने में, तो उन चीज़ों में फुट ड्रॉप हो सकता है। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको चलते में पैर ऊपर लाना होता है अपना पंजा, वो नहीं लाने की वजह से फुट ऐसे ही रहेगा, तो आपको बहुत बड़ा बड़ा पैर रखना पड़ेगा जो कि बहुत टायरिंग होता है और बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, या आपको नाइट स्प्लिंट पहनने पड़ेंगे जो फिक्स्ड होते हैं या कोई और डिवाइस। और दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं टेंडन ट्रांसफर। इसको कराने के बाद आपकी हम वापस से एंकल ऊपर करने की पावर ला सकते हैं, जो पीछे की नस होती है उसको हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार इसमें हम टीबीएलएस पोस्टीरियर नस को ट्रांसफर करते हैं या ब्राइडल प्रोसीजर करते हैं। दोस्तों इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और फिजियोथेरेपी के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों अगर आपको फुट ड्रॉप है या आप किसी को जानते हैं उसको ये तकलीफ है, तो आप ज़रूर हमारा ये वीडियो शेयर करें उनको, और नीचे दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करना। थैंक यू सो मच।